किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर की सफाई के लिए नहीं उतारा जाना चाहिए। मशीनों का युग है, मशीनों से सफाई जब हो सकती है तो किसी इंसान को क्यों उतारना। पूरे देश के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये सामाजिक वर्ग है, इसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना देश के प्रत्येक किसी भी नागरिक को मिलता है, किसी भी अधिकारी को मिलता है और किसी भी कर्मचारी को मिलता है। इनको अच्छी यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। छतरी लगा के या छाता लगा के कोई कर्मचारी सफाई नहीं कर सकता। और इन लोगों को अगर कुछ दुख तकलीफ हो तो ये हमारे लिए बहुत ही खेद का विषय है। हम सभी लोगों को मिलकर इनके लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है आज कि आप लोगों से एक साथ मुझे मिलने का अवसर मिला। देश में जो हमारा एक बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है, सीवर डेथ, मेरे सम्मानित अतिथि गणों ने भी कई बातें आप लोगों को इस बारे में बताई है। आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगी। देखिए, आज हमारे समाज का प्रोग्राम है और हमारे समाज के हित के लिए प्रोग्राम है, तो कृपया हम उसे ध्यान से सुने और उस पर विचार करें। बाबा साहब के जो तीन मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज हमको सब लोगों को संगठित होकर सीवर डेथ के जो मामले देश में चल रहे हैं उनको रोकना है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो 2013 में एक्ट बना था, जिसको हम एमएस एक्ट के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर की सफाई के लिए नहीं उतारा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो उतारने वाला दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए और वो सजा का भी अधिकारी होता है। आंशिक सहायता के रूप में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन क्या एक जान की कीमत 10 लाख रुपए है? नहीं है। क्या हम जो दुनिया से चला गया है उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा हो ही क्यों? क्योंकि सीवर में एक आदमी अकेला नहीं जाता है, वो साथ में अपने 2-4 को लेके जाता है। तो इस तरीके का कोई भी कार्य अगर होते देखें तो आम नागरिक और एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह की किसी भी घटना को होते अगर आप देखें तो उसे प्लीज रोकिए, ऐसा नहीं होने दें। मशीनों का युग है, मशीनों से सफाई जब हो सकती है तो किसी इंसान को क्यों उतारना। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उनको कि उन्होंने जो अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी स्वच्छ भारत मिशन से, उन्होंने प्रयागराज में सफाई कर्मचारी और जो हमारे सैनिक है, स्वच्छता सैनिक, उनके कार्य से खुश होकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही जो बनारस कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ तो हम देखेंगे कि सभी इन स्वच्छता सैनिकों के साथ में बैठकर उन्होंने भोजन किया।
देखिए ये सब चीज एक दिखावा नहीं है, ये संदेश है। पूरे देश के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये सामाजिक वर्ग है, इसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना देश के प्रत्येक किसी भी नागरिक को मिलता है, किसी भी अधिकारी को मिलता है और किसी भी कर्मचारी को मिलता है। ये दिखावा नहीं है, ये संदेश है कि उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सम्मान से देखिए, उसके प्रति संवेदना रखिए। सफाई कर्मचारियों की कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती है, बहुत ही छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती है जिनसे वो जूझता है, हर वक्त जूझता है। पेंशन के केस ले लीजिए, अनुकंपा नियुक्ति के केस ले लीजिए, इनके लिए वो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपना खुद का किए हुए काम का वो वेतन चाहता है, अपने खुद के लिए वो सम्मान चाहता है। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं, इनको हल करने के लिए हमको सबको मिलके एक साथ इन कर्मचारियों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सभी यहाँ पर विराजमान यूनियन के भी जो हमारे गणमान्य प्रतिनिधि हैं, उनको भी कहना चाहूँगी कि आप लोग सहयोग करिए इन चीज़ों में। किसी भी कर्मचारी की अगर पेंशन का जो डेट है, रिटायरमेंट की डेट है, तो क्या वो अचानक थोड़े होती है? तो फिर वो अपने खुद के ग्रेजुएटी के पैसे, खुद के पेंशन की जो सम्मान के पैसे हैं, वो लेने के लिए क्यों चक्कर लगाता है? क्यों नहीं 6 महीने पहले उसकी कागजी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए? क्यों नहीं करते हैं उन कागजों को कंप्लीट जिनके लिए वो रिटायर होने के बाद भागता रहता है इधर से उधर? तो इस तरह से आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, इन कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलना चाहिए, इनको अच्छी यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। छतरी लगा के या छाता लगा के कोई कर्मचारी सफाई नहीं कर सकता, उनको रेनकोट मिलना चाहिए, उनको आई कार्ड ऐसा मिलना चाहिए ताकि कोई भी अगर केस ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी घटना दुर्घटनावश अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको फर्स्ट एड मिल सकती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सभी को ध्यान रखना चाहिए। कई सालों से सीवर डेथों के केस नहीं सॉल्व होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसी टाइम उनको आंशिक सहायता राशि दी जानी चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोगों को सबको मिलकर सॉल्व करना है, हमको उनके लिए लड़ना है। और आज यहाँ पर हम आए हैं तो आप लोगों से मुझे बहुत अच्छी बातें भी सीखने को मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के अगर प्रोग्राम यहाँ होते रहें और सब लोग आपस में मिलके अपनी बात एक दूसरे से शेयर करें तो आधी समस्याएं तो वैसे ही हल हो जानी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इन स्वच्छता सैनिकों को, जिन्होंने जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करी। इवन जब परिवार जन ने साथ छोड़ दिया तो अंतिम संस्कार तक इस समाज और इस सामाजिक वर्ग के लोगों ने किया। ऐसे स्वच्छता सैनिकों को बहुत बहुत सैल्यूट है। और इन लोगों को अगर कुछ दुख तकलीफ हो तो ये हमारे लिए बहुत ही खेद का विषय है। हम सभी लोगों को मिलकर इनके लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रही हूँ, आप सभी लोगों का सहयोग मुझे मिले इसकी भी मैं अभिलाषी हूँ। आप लोगों ने आज मुझे यहाँ बुलाया और बहुत ही शॉर्ट में बोलने के लिए बोला है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर वीरका साहब का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मान सम्मान दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।